नमस्कार दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई की रात को लगेगा। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और यही वजह है कि इसका सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, चाहे ग्रहण का सूतक हो या ना हो। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो ग्रहण के दौरान नहीं किए जाने चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसको लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि जो चंद्र ग्रहण की घटना है वो अशुभ घटना है और अशुभ घटना के दौरान भोजन नहीं किया जाता। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीज़ें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इन नियमों में छूट दी जाती है, यानी कि वो भोजन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिला को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। इसके साथ ही दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपको या ग्रहण के सूतक के दौरान कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रहण के दौरान किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करते हैं तो उसका फल आपको नकारात्मक मिल सकता है। इसलिए आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको सूतक शुरू होने से पहले ही वो काम निपटा देना चाहिए या फिर चंद्र ग्रहण के बाद आपको वो काम करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम है कि इस दौरान आपको पूजा नहीं करनी चाहिए अपने मंदिर में जाकर, और ना ही मूर्तियों को स्पर्श करना चाहिए। हालांकि आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको अपने घर के पूजा स्थल को ढककर रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही आपको चंद्र ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के वक्त पति पत्नी के संबंध बनाने से जन्मी संतान अपंग हो सकती है या फिर किसी प्रकार की मानसिक विकृति उसमें पैदा हो सकती है। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ ईश्वर की भक्ति में आपको मन लगाना चाहिए, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन योग ध्यान करते हैं तो इससे भी आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन जो भी व्यक्ति योग करता है या योग करता हुआ आ रहा है तो उसको कुछ अच्छे अनुभव ग्रहण के दिन हो सकते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। इसलिए आपको इस दिन योग ध्यान अवश्य करना चाहिए। आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं और आपको कोई अलौकिक अनुभव भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।